नमस्कार, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मई 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का। 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर हमने 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर डिस्कस हमने पहले ही किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे एक करंट अफेयर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ भी आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन आप फर्स्ट करा है कि साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई, साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई, तो सही आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है, सही आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन आगे कर रहा है यूरोप में रिफाइंडर ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो सही आंसर क्या होगा, भारत। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो सही आंसर क्या होगा, भारत। आरबीआई के क्वेश्चन आगे कर रहा है, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा, तो सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, सही आंसर क्या होगा, चाइना। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो सही आंसर क्या होगा, सर्जियो पेरेज। क्वेश्चन आगे आ जाइए, इंफोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, सही आंसर क्या होगा, ITC। क्वेश्चन कर आगे कि कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, किस राज्य के सिमली पाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है, तो सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है कि 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, साजू बालकृष्णन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, सूचना किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मीरा सयाल। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि किसने लिप चिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, मारिया स्टेपा नोवा। क्वेश्चन आगे कर रहा है आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट टीम कौन सी बनी है, तो सही आंसर क्या होगा, भारत। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट टीम कौन बना है, तो सही आंसर क्या होगा, भारत। क्वेश्चन आगे करा है कि किसे किंग चार्ल्स थर्ड मानद MBE से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर MN नंद कुमार। क्वेश्चन आगे करा है कि बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है, सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन आगे आ जाइए, इसके बाद आपको जून 2023 का करंट अफेयर इसके बाद वीडियो में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन आगे कह रहा है, जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है, सही आंसर ईरान। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता, सही आंसर क्या होगा, लुका ब्रेसल। क्वेश्चन आगे कर रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, सही आंसर क्या होगा, नॉर्वे। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है 2023 में, 3 मई को आयोजित हुआ था, तो ये नेपाल जीता है। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है, तो सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन आगे कर रहा है, USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है, तो सही आंसर क्या होगा, भारत। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया, सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन कर रहा है, ODF प्लस रैंकिंग में किसे पहला स्थान हासिल किया है, तो सही क्या होगा, वायनाड। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो सही आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि किसने अपना पहला
इतालवी सीडी ए खिताब जीता है, तो सही आंसर क्या होगा, नेपाल। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया, सही आंसर क्या होगा, रूस। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर आजम पाकिस्तान का खिलाड़ी है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया, सही आंसर क्या होगा, जापान। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस देश के एथलीट निजेल असोम पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोत्सवाना, बोत्सवाना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, सही आंसर क्या होगा, असम में। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी 67 या 68 में कि पीटी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कहाँ हिंसा भड़काने के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू किया है, सही आंसर क्या होगा, मणिपुर। आगे कह रहा है कि कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन आगे कह रहा है किसने अपना 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो क्या हो जाएगा, BRO। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या हो जाएगा, दोहा डायमंड लीग में। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया था, सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नामित किया गया था, नाम दिया गया था, तो सही आंसर क्या होगा, यमन। क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लोन मोचा। क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है, सही आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। आ जाइए क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है, सही आंसर हो जाएगा, नीरा टंडन। क्वेश्चन आगे कह रहा है किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चाइना का। क्वेश्चन आगे कह रहा है भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हट का उद्घाटन किया गया है, सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन आगे आ जाइए, जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है, सही आंसर बन जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन आगे कर रहा है आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि नई दिल्ली में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है, नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है, तो ये है, बना है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, ऑपरेशन मर्यादा चला रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन आगे कह रहा है नौ साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है, सही आंसर क्या होगा, मेघालय। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो सही आंसर बन जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो कहाँ शुरू हुआ, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन आगे कह रहा है किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है, सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, अप्रैल 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था, तो फकर जमा एवं नारू मोल चाईवई को, यहाँ प्रोनाउंसिएशन दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भारत ने किस देश में 7 सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया, सही आंसर म्यांमार। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, किस फीच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो क्या होगा, सही आंसर 6%। बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे कर रहा, तीसरा G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो सही आंसर क्या होगा, गोवा। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, किस देश ने पीटर्स वर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है, सही आंसर क्या होगा, जर्मनी। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि किस मंत्रालय ने
लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है, सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया, सही आंसर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा लियोनल मैसी। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया, सही आंसर श्रीलंका। क्वेश्चन आ जाइए आगे, 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया, तो सही आंसर हो जाएगा ढाका। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, सही आंसर बन जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया है, तो ये हो जाएगा मास्टर कार्ड। क्वेश्चन आगे आ जाइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आगे कह रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, सही आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ समझौता किया है, तो सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। क्वेश्चन आगे करा कि किस शहर के पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है, सही आंसर हो जाएगा शारजा। क्वेश्चन आगे आ जाइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मिला है। क्वेश्चन आगे आ जाइए, राजीव लूथरा का निधन हुआ वे कौन थे, वे एक वकील थे। क्वेश्चन कह रहा है कि आगे किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, मीनाक्षी लेखी। क्वेश्चन आगे कह रहा है, कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव का शुरू हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा लेह में। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 13 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो सही हो जाएगा आंसर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आगे कह रहा है, किसे गोविंद पुरस्कार 2023 मिला है, जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा कोची बंदरगाह। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किसने IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है, यशस्वी जायसवाल, जो मात्र 13 गेंद पे 50 रन बनाए थे। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है, सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया, सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन आगे आ जाइए, ग्रांट ब्रेडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं, सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन आगे करा, किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया, सही आंसर हो जाएगा गीता राव गुप्ता को। क्वेश्चन आगे आ जाइए, T20 में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं, सही आंसर बन जाएगा राशिद खान। क्वेश्चन आगे करा, भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 15 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में 15 मई 2023 को मनाया गया। क्वेश्चन आगे आ जाइए कि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो बुपला प्रणीत। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है, तो सही आंसर बन जाएगा भोपाल। क्वेश्चन आगे कह रहा है, किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो CBI का नया निदेशक जो नियुक्त किया गया है प्रवीण सूद को। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 यह समुद्र शक्ति 23 हुआ, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया था।
क्वेश्चन आगे कह रहा है, किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? सही आंसर बन जाएगा अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पासांग दावा शेरपा। क्वेश्चन आगे आ जाइए, प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना सही आंसर होगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? सही आंसर बन जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आगे आ जाइए, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? सही आंसर बन जाएगा नीदरलैंड। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो सही आंसर बन जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए, कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो सही आंसर बन जाएगा मिजोरम। लुडोविक ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, सूचना अनुसार HPCL 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो सही आंसर बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आगे आ जाइए कि किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा SK जैन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 3री G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? सही आंसर बन जाएगा श्रीनगर। क्वेश्चन आगे कह रहा है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रतिमा भुल्लर। क्वेश्चन आगे कह रहा है, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर बन जाएगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन आगे कह रहा है, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर बन जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन आगे आ जाइए, किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजुम मौदगिल को। क्वेश्चन आगे कह रहा है, चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? सही आंसर बन जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया था? तो सही आंसर बन जाएगा भारत। आगे आ जाइए, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? मोंटाना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया? सही आंसर उत्तराखंड। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंड फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? सही आंसर होगा चिली। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंग उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली जो है UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? सही आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा रायगढ़। क्वेश्चन आगे आ जाइए, कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा जेद्दा। क्वेश्चन हम आगे आ जाइए, 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा गतका। क्वेश्चन आगे कर रहा है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक ही साल में टेस्ट T20
वनडे और आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल। क्वेश्चन आ गया, ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन आगे करा कि किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया? सही आंसर हो जाएगा चाइना। क्वेश्चन आगे करा कि विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया, यानी किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नेपाल। क्वेश्चन आ गया जे किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा डेनिल मेदवेदेव। क्वेश्चन आगे करा कि किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? सही आंसर हो जाएगा इटली। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ का है? इटली का। उसमें क्या हुआ, फिर से एक बार विस्फोट हुआ। क्वेश्चन आगे करा कि तीर्थ यात्रियों को मुक्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना। क्वेश्चन आगे करा प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा फिजी। क्वेश्चन आगे करा भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? सही आंसर बन जाएगा सऊदी अरब। क्वेश्चन आगे करा है कि बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा अदिदास को। क्वेश्चन हम आगे करा T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर बन जाएगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन आगे आ जाइए कि सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2,00,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर हो जाएगा 2025 तक। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 23 मई 2023 को जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी कौन है बने हैं? तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर बन जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रयाना बरगानी। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आगे कर रहा है, यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने? यूटी खादर। तो सही आंसर बन जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन हमारा आगे देख लीजिए, टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फॉर्म्स में किस भारतीय फॉर्म को शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा टाटा। क्वेश्चन आगे कर रहा है, स्वास्थ्य शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आयरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्टपोडिनोव। नाम भी ऐसा है ना, प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत हो जाता है। गोस्पोडिनोव। क्वेश्चन आगे करा कि चर्चा में रहा नवे गांव नगजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन आगे करा कि किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा तुर्की। क्वेश्चन आगे करा कि कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन आगे करा कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर बन जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन हमारा आगे करा, वोटो यात्रा उत्सव कहाँ शुरू मनाया गया? तो ये 26 मई 2023 को वोटो यात्रा उत्सव मनाया गया ये नेपाल में।
क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किसने पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया है, तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय समंद वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है, तो सही आंसर बन जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, तो सही आंसर बन जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन हम आगे आ जाइए, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुआ है, तो सही आंसर बन जाएगा जिनेवा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकेंड नूरी को लॉन्च किया है, तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुआ है, तो मुकेश अंबानी। क्वेश्चन हम आगे आ जाइए, खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा रूस में। क्वेश्चन हम आगे कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस दो शहरों के बीच शुरू हुआ है, तो दिल्ली से देहरादून के बीच। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है, तो आगे देखते हैं। तो ये जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये मिस्र में है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है, तो एच एस परने हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है, सूचना अनुसार बांद्रा वारसोव समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया जाएगा, तो बीडी सावरकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बांद्रा वांद्रा वारसोवा समुद्री पुल का नाम बीडी सावरकर नाम पे रखा जाएगा। क्वेश्चन हम आगे आ जाइए कि आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ऋतिक रोशन को मिला है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई, तो गुवाहाटी से जलपाई गुड़ी के बीच। क्वेश्चन हम आगे आ जाइए, G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो टिहरी में। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो आइसलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 57 व ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो दामोदर मौजो को। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने आईपीएल का 2023 का खिताब जीत लिया, तो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। क्वेश्चन आगे आ जाइए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता, तो यशस्वी जायसवाल हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन आगे आ जाइए, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, कब, 23 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया, जम्मू कश्मीर, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किसे डैक हैमर स्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को। क्वेश्चन आगे कह रहा है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, सही आंसर हो जाएगा बोला टीनुबू। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता, तो सही आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, सही आंसर हो जाएगा अंग सुमाली रस्तोगी को। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य में देवी लोक महोत्सव का शुरुआत हुआ है, सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जारी 30 मई 2023 को जारी SBI के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत के GDP कितने रहने का अनुमान है, तो 7.1%। ये भी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, तो हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, थीम क्या था, तो 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, पूछ सकता है, तो 31 मई 2023 होगा।
और थीम क्या था, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि रेसेप तैयिप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो सही आंसर बन जाएगा तुर्की का। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भारत के बाहर किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा, तंजानिया में खुलेगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की को मंजूरी दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया, सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो टोटल इस वीडियो में हमने 1 मई से लेके 31 मई तक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, करंट अफेयर के प्रश्नों का डिस्कशन किया। इससे पीछे हमने अप्रैल मंथ का टोटल करंट अफेयर का डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको जून 2023 का करंट अफेयर उपलब्ध कराते हैं। बच जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 बच जाएगा, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके जून एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।